वैदिक एस्ट्रो में आपका हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम आप जो वृश्चिक राशि के जातक हैं उनके माह अप्रैल 2020 के राशिफल के विषय में चर्चा करेंगे और चर्चा करने से पहले जानेंगे कि ग्रहों की गोचर में स्थिति वर्तमान में कैसी है, जिसके आधार पर आपका राशिफल तैयार किया गया है। तो आइए जानते हैं सूर्य। सूर्य ग्रह जो कि वर्तमान में अपनी मित्र राशि मीन में संचार कर रहे हैं और 13 अप्रैल को ये इस राशि को परिवर्तित करेंगे, यहाँ से निकलेंगे और अपनी मित्र की जो राशि है इनकी और उच्च की राशि जो कहलाती है मेष, उसमें इनका प्रवेश होगा। तो मित्रों, मीन राशि जो है आपकी कुंडली के पंचम भाव में स्थित है और जो मेष राशि है वो आपकी कुंडली के षष्ठम यानी के छठे भाव में स्थित है। मंगल जो कि वर्तमान में अपनी उच्च राशि मकर में संचार कर रहे हैं, मित्रों ये पूरे माह इसी राशि में ही इनका संचार चलता रहेगा मार्गी और उदय अवस्था में, और यहाँ पर इनकी जो युति बनेगी अपने मित्र ग्रह बृहस्पति गुरु के साथ बनेगी और शत्रु ग्रह शनि के साथ। और ये जो मकर राशि है आपके कुंडली के तृतीय भाव में यानी के थर्ड हाउस में विराजमान है। बुध ग्रह की चर्चा करते हैं। तो मित्रों, बुध ग्रह जो है वो वर्तमान में अपनी परम मित्र की जो राशि है कुंभ, उसमें इनका संचार चल रहा है और ये कुंभ राशि जो है वो आपके कुंडली के चतुर्थ भाव यानी के फोर्थ हाउस में स्थित है और ये 7 अप्रैल को अपनी इस राशि से निकल करके अपनी नीच राशि मीन में प्रवेश करेंगे। और जब ये मीन में प्रवेश करेंगे तो ये अपनी उदय और मार्गी अवस्था में ही प्रवेश करेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि मीन राशि आपके कुंडली के पंचम भाव में स्थित है, पंचम भाव यानी कि फिफ्थ हाउस, वहां जाकर के ये 23 अप्रैल को पूर्व में अस्त हो जाएंगे और 25 अप्रैल को फिर ये इस राशि को परिवर्तित करेंगे, यहां से निकलेंगे और अपनी जो इनकी सम राशि मेष है उसमें ये प्रवेश करेंगे। और जो मेष राशि है उसके विषय में हम आपको बता ही चुके हैं कि वो भी षष्ठम भाव में यानी कि सिक्स हाउस में आपके कुंडली के स्थित है और यहां पर जब ये इनका प्रवेश होगा मेष राशि में तो ये अस्त्र अवस्था में होंगे और मार्गी अवस्था में होंगे। अब बात कर लेते हैं गुरु बृहस्पति की। तो मित्रों, गुरु बृहस्पति जो कि 30 मार्च 2020 से अपनी नीच राशि मकर में संचार कर रहे हैं लगातार, पूरे माह अप्रैल में भी इनका इसी राशि में ही संचार चलता रहेगा और यहां पर इनकी युति जो बनेगी अपने सम ग्रह शनि और मित्र ग्रह मंगल के साथ पूरे माह। और आपको ये बता चुके हैं कि मकर राशि आपके कुंडली के तृतीय भाव यानी थर्ड हाउस में स्थित है। शुक्र, तो मित्र शुक्र ग्रह की बात अगर करें तो शुक्र ग्रह जो हैं वो अपनी स्वयं की राशि वृषभ में 28 मार्च 2020 से लगातार संचार कर रहे हैं और इस पूरे अप्रैल माह में भी इनका इसी राशि में ही उदय एवं मार्गी अवस्था में संचार चलता रहेगा। और ये जो इनकी वृषभ राशि है ये आपके कुंडली के सेवेंथ हाउस यानी सप्तम भाव में स्थित है। शनि ग्रह, शनि ग्रह वर्तमान में अपनी स्वयं की राशि मकर में संचार कर रहे हैं और इसी प्रकार पूरे माह अप्रैल में इनका इसी ही राशि में संचार उदय एवं मार्गी अवस्था में चलता रहेगा और यहाँ पर इनकी युति अपने सम ग्रह बृहस्पति और अपने शत्रु ग्रह मंगल के साथ बनी रहेगी। और ये जो इनकी राशि है मकर, वो आपको पहले ही बता चुके हैं कि तृतीय भाव में यानी थर्ड हाउस में आपकी कुंडली के स्थित है। राहु, मित्रों राहु अपनी उच्च और मित्र राशि मिथुन में संचार कर रहे हैं और करते रहेंगे इस पूरे माह। और ये जो मिथुन राशि है ये आपके कुंडली के अष्टम भाव यानी के एट्थ हाउस में स्थित है। केतु, केतु भी अपनी उच्च राशि धनु में संचार कर रहे हैं और इसी प्रकार इनका भी संचार पूरे माह चलता रहेगा इसी ही राशि में। और ये जो धनु राशि है आपके कुंडली के द्वितीय भाव में स्थित है। तो ये था मित्रों ग्रह गोचर स्थिति, ग्रहों की गोचर में स्थिति। आइए अब आगे आपसे चर्चा करते हैं आपके राशिफल के विषय में और सर्वप्रथम आपसे आपके व्यवसाय के विषय में। आप वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनको बताना चाहेंगे कि आप अपने कार्य क्षेत्र चाहे रोजगार हो या फिर व्यापार, माह के आरंभ से मध्य तक आपको अपने कार्यों को पूरा करने में कुछ समस्याओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वैसे तो पूरे माह आपकी सोच बहुत ही सकारात्मक रहने वाली है। जो व्यक्ति अपना व्यवसाय आरंभ करना चाहते हैं इस अवधि में, इस माह में, तो अगर सैन्य बल जैसे पुलिस, CRP, आर्मी जैसे क्षेत्र में कोशिश कर सकते हैं वो, यानी कि इन क्षेत्रों से जुड़ी हुई चीज़ों में वो अपना कोई कार
अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं, या तो इससे जुड़ी हुई चीज़ों में या इन क्षेत्रों में वो अगर नौकरी पाना चाहते हैं तो इन क्षेत्रों में कोशिश कर सकते हैं, या फिर मेडिकल के क्षेत्र में भी आप जाने के लिए कोशिश कर सकते हैं। ऐसी ही किसी परीक्षा में बैठना चाहते हैं या बैठ रहे हैं तो आपको सफलता प्राप्त होगी। और यदि आप पहले से ही इनमें से किसी एक क्षेत्र में कार्यरत हैं तो इस अवधि में आप सफल होंगे अपने क्षेत्र में। जैसा कि हमने आपको कहा है कि माह के मध्य तक तो आपको प्रयास अधिक करने पर भी अनुकूल परिणामों की ही प्राप्ति में कुछ विलंब हो सकता है, लेकिन महामध्य के उपरांत आपके कार्यों में अकस्मात प्रगति आपको होती दिखाई देगी तथा आपको अपने अनुकूल परिणामों की भी प्राप्ति होगी, साथ ही मान सम्मान में भी वृद्धि होगी, पदोन्नति भी संभव है। आप इस पूरे महीने काफ़ी ऊर्जावान अपने आप को महसूस करेंगे तथा परिश्रम करने से भी पीछे नहीं हटेंगे। वित्तीय स्थिति, इस माह अगर आप किसी भी व्यवसाय से जुड़े हैं तो आप सामान्य रूप से ही आपको मतलब आय होगी, साथ ही जो भी आपकी जमा धनराशि है उसमें भी कुछ कमी हो सकती है, या कह सकते हैं कि धन का व्यय होगा। धन का व्यय भी समान मात्रा में ही होता रहेगा, व्यय इधर आय इधर व्यय। इस पूरे माह आपकी आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से ही चलेगी। प्रेम संबंध, आप इस माह अपने प्रेम संबंधों को लेकर अगर कोई अपनी ओर से प्रयास कर रहे हैं मित्रों तो उसमें सफलता आपको प्राप्त नहीं हो पाएगी इस माह, क्योंकि ग्रहों की ओर से आपको सहयोग नहीं मिल रहा है इस दिशा में। हमारा तो यही सुझाव है आपके लिए कि अपना समय इस कार्य में अगर नष्ट ना करें तो आपके लिए हितकर रहेगा। पारिवारिक संबंध, परिवार के साथ संबंधों में तनाव रहेगा, छोटे बड़े भाई बहनों की ओर से भी कोई विशेष सहयोग की अपेक्षा ना करें। पिता की ओर से महामध्य के उपरांत आपको अच्छा प्रोत्साहन एवं सहयोग प्राप्त हो सकता है। विवाहित व्यक्तियों के वैवाहिक संबंध बहुत ही सौहार्दपूर्ण रहने वाले हैं, आपस में तालमेल भी अच्छा बना रहेगा पूरे माह। शिक्षा, माह के मध्य तक आप अपनी शिक्षा में मध्यम परिणामों की प्राप्ति कर पाएंगे, उसके पश्चात परिणामों में और कमी रहेगी। कहने का भाव यह है कि ग्रहों का सहयोग इस दिशा में आपको नहीं मिल पा रहा है तो सब कुछ आप पर ही निर्भर है और रहेगा इस पूरे माह। आपको बहुत अधिक परिश्रम करने की आवश्यकता होगी इस पूरे माह, तभी विद्या संबंधी शिक्षा संबंधी सामान्य परिणामों की प्राप्ति खींचतान करके कर पाएंगे। संतान, माह के आरंभ से मध्य के बीच आपकी संतान को मान सम्मान की प्राप्ति तो हो सकती है जिस क्षेत्र में वो कार्यरत हैं, जिसकी वजह से आपके भी सम्मान में कई गुना वृद्धि हो जाएगी संतान के कारण। उसके पश्चात परिणाम सामान्य से भी नीचे आने की संभावना बन रही है। स्वास्थ्य, इस पूरे माह आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा। ऐसे कौन से उपाय करें कि जिनसे आपको परेशानियों से छुटकारा मिल सके इस माह, तो देखिए उपाय आपको बता देते हैं, करना आपको है। अगर आप इस माह अधिक सकारात्मक परिणामों की आशा करते हैं तो आप ये उपाय कर सकते हैं। प्रतिदिन इस मंत्र की कम से कम 3 माला अवश्य करें। गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान करें, जैसे केले पील या पीली मिठाई आदि। और मंत्र है, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ये मंत्र है, इसका जाप करें। और प्रत्येक बुधवार को भी गाय को चारा खिलाना ना भूलें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना भी आपके लिए काफ़ी हितकर रहेगा, लाभकारी रहेगा। नित प्रतिदिन इसको करेंगे तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। ये थे उपाय, और इनके साथ पूरा राशिफल आपको कैसा लगा, पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें और जो बेल आइकन है उसको अवश्य दबाइएगा, ताकि जो भी हमारे कार्यक्रमों के नए वीडियोस हैं वो भी आप तक आसानी से पहुंच सकें और आप उनका भी समय अनुसार लाभ प्राप्त कर सकें। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।